do you know how to URL parameter work? How do URL parameter work? According to Google developer, there are two types of URL parameter, active and passive. URL parameter दो तरह का होता है, एक होता है active, एक होता है passive. The पहला active होता है जिसको जो काम करता है content modifying parameter, कहलाता है content modifying parameters. Parameters that will modify the content display on the page. तो पेज पे कंटेंट दिखाई देता है उसको वो मॉडिफाई कर देता है, इसलिए वो कंटेंट मॉडिफाइंग पैरामीटर कहलाता है. एग्जांपल, टू सेंड द यूजर डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट कॉल xyz http://doomin.com ?id=xyz. किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखने के लिए हम उसको पैरामीटर में स्पेसिफाई कर देते हैं. मान लीजिए आपको कंप्यूटर देखना है तो amazon.com ?product id=computer कर दीजिएगा तो जितने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होगी वो दिखाई देने लगेगी. सेकेंड इज द ट्रैकिंग पैरामीटर, दैट इज पैसिव पैरामीटर फॉर एडवांस ट्रैकिंग. जब एडवांस ट्रैकिंग करनी होती है हम लोगों को, एडवांस चीज़ें देखनी होती हैं, तो हम पैसिव पैरामीटर को यूज करते हैं. पैरामीटर्स दैट विल पास इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लिक, दैट इज विच नेटवर्क इट केम फ्रॉम, विच कैंपेन और एड ग्रुप एक्सेट्रा, बट वोंट चेंज द कंटेंट ऑफ द पेज. लेकिन ट्रैकिंग पैरामीटर जो होता है आपके कंटेंट को चेंज नहीं करता है. पहला वाला चेंज क्यों करता है? क्योंकि हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देखना चाह रहे हैं, तो होम पेज पे हो सकता है उसके कि सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हों, लेकिन जब हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो पेज, पर्टिकुलर पेज आपको दिखने लगता है, तो आपका कंटेंट जो होता है वो होम पेज पर चेंज हो जाता है. लेकिन ट्रैकिंग पैरामीटर्स में आपका कंटेंट चेंज नहीं होता है, बल्कि वो किस कैंपेन से आया, किस न्यूज़लेटर से आया, किस ग्रुप से आया है उस पर डिपेंड करता है, और इसका कंटेंट चेंज नहीं होता. द इंफॉर्मेशन विल बी क्लियरली रिकॉर्डेड इन अ ट्रैकिंग टेम्पलेट्स विल इंक्लूड वैल्यूएबल डेटा फॉर यू टू इवेल्युएट योर रिसेंट मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट. और वो पेज जो होता है आपके करेंट ट्रैक, क्या क्या आपने किया उसको ट्रैक करता है, और उस डेटा को क्या इन्वेस्ट किया, क्या वैल्यूएबल डेटा आपने लिया, वो सारी चीज़ें ट्रैक करता है. टू ट्रैक अ ट्रैफिक फ्रॉम योर न्यूज़ लेटर, अब मान लीजिए आपने न्यूज़ लेटर से अपने ट्रैकिंग की ट्रैफिक को, तो वहाँ पर www.domain.com UTM सोर्स यूज होता है. ट्रैकिंग के लिए क्या यूज होता है? UTM सोर्स यूज होता है. UTM सोर्स equals to newsletter and UTM medium equals to email. अब आपने सोर्स तो newsletter लिया, लेकिन medium जो था वो email था, तो उसकी tracking कैसे की? email के through newsletter को लिया. To collect campaign data with a custom URL, you must write http://www.domain.com?utm-source=twitter. अब आपका source क्या है? Twitter. And UTM medium equals to tweet. और medium क्या था? आपने जो भी information दी वो tweet से ली. और campaign क्या था? कि summer sale का, summer sale के tweet को Twitter से लेकर आपने अपनी information को, campaign data को collect किया. It might seem fairly simple to manage, but there is a correct and an incorrect way to use a URL parameter. लेकिन उसका URL को यूज़ करने का करेक्ट और इनकरेक्ट मेथड होता है. अगर आप करेक्ट ढंग से यूज़ नहीं करिएगा तो वो काम नहीं करेगा. जैसे अगर दो पैरामीटर के बीच में एम्परसेंट नहीं लगाया, तो देखिए पैरामीटर को एम्परसेंट सेलेक्ट कर रहा, अगर एम्परसेंट नहीं लगाइएगा तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा. स्ट्रिंग स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगाइएगा तो वो काम नहीं करेगा. अब एक एग्जांपल और हम दे देंगे, हाउ टू यूज अ यूआरएल पैरामीटर विद एग्जांपल. अब मान लीजिए कोई शूज़ की शॉप है,
तो आप जब भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके एंटर करने के समय एक सेशन क्रिएट होता है, तो वो सेशन जो है वो जो आदमी एंटर करता है उसके नाम से स्टार्ट हो जाता है। ब्लू स्नीकर यहाँ पे आया सेशन का नाम, और डोमेन नेम रैंक कर रहा है, कौन से रैंक कब रैंक कर रहा है, जो न्यूएस्ट प्रोडक्ट है शूज़ का उसको वो रैंक कर रहा है। तो हमारा पैरामीटर क्या हुआ, सेशन आईडी और रैंक और जो वेरिएबल, और उसकी वैल्यू क्या हुई, ब्लू स्नीकर एंड न्यूएस्ट। तो नए जूतों का जो सेशन स्टार्ट हुआ ब्लू स्नीकर्स का, वो उसको दिखाएगा। क्यूरी स्ट्रिंग ऑफ ट्रैकिंग पैरामीटर आर इक्वली कॉमन, दे आर ऑफन यूज बाई डिजिटल मार्केटर टू मॉनिटर देयर ट्रैफिक कम्स फ्रॉम, सो दे कैन डिटरमाइन वेदर द लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन सोशल एड कैंपेन और न्यूज लेटर वॉज सक्सेसफुल और नॉट। और इस सबसे जो मार्केटर होते हैं वो ये चॉकआउट करते हैं कि जो उनके पास ट्रैफिक आ रहा है वो इतना है कि उस पर वो ऐड लगाएं या कंपेन करें, नहीं तो अगर जो पेमेंट करना पड़ता कंपेन और ऐड का वो फुलफिल नहीं होगा और उनको प्रॉफिट नहीं होगा। सो दिस इज ऑल टुडे दैट हाउ द पैरामीटर वर्क्स, एंड इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन and understand this concept, please run, share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informal, follow my all social media links given in the description, join telegram channel Tech Ratan, and you will get more such type of video if you subscribe it, and please run or need the watch time and join my community to see the more videos there. Thank you viewers.